देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। इंडिया शुरू करते हैं हमारा ग्रैंड फिनाले वीक। इंडिया ग्रैंड फिनाले वीक की एनर्जी को, थ्रिल को क्यों ना थोड़ा सा और बढ़ाया जाए। हमारी सुपर मॉम्स का हौसला बढ़ाने आ रही है फिल्म धोखा राउंड द कॉर्नर की सुपरस्टार टीम। प्लीज वेलकम अपार शक्ति खुराना एंड खुशाली कुमार। ज़ोरदार तालियां हो जाए। और मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि आपका ट्रेलर मैंने देखा है और धोखा एंटरटेनमेंट में धोखा बिल्कुल नहीं देने वाला, बिकॉज इट इज सो गुड। थैंक यू सो मच मैम। आज ग्रैंड फिनाले वीक में ट्रॉफी की दावेदारी रखने आ रही है हंसी हरियाणा से, वो जो मजदूर है लेकिन मजबूर नहीं, वर्षा भूमरा विद डांस गुरु वर्तिका झा। मेरी शादी हुई, मेरे हस्बैंड काम करते थे लेकिन उसमें घर नहीं चल पाता था पूरा। कभी कभी ऐसे होता था कि बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती, हमारे पास पैसे तक नहीं होते थे खाने के। कोई ये भी नहीं पूछता था कि तुम खाना खा के सोए हो। काफी बार ऐसे हो जाता था कि क्या जिंदगी है, कोई जिंदगी नहीं है हमारी। जमीन पे है ये रोशनियां है आसमान। तो फिर मेरे को लगा कि मैं कुछ काम ही कर लूं, मैं भी साथ में घर भी चल जाएगा और हेल्प भी हो जाएगी मेरे हस्बैंड की। उस टाइम पे ये नहीं सोचा था मैंने कि जो मैं अभी सीख रही हूँ, जो 15 मिनट में निकाल रही हूँ रात को, उस 15-20 मिनट की वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। यहाँ पे आने के बाद मेरी जिंदगी घूम गई है गोल चक्कर के जैसे। जन्नत के साए, जन्नत ले आए है बाहों में अब जिंदगी। सारी चीजें बड़ी बड़ी गद्दा क्यों चाहिए? मेरे हस्बैंड है ना नीचे सोते हैं चटाई बिछा के, तो उनके लिए चाहिए मेरे को। मैं तो मेरी आंखों पे विश्वास भी नहीं कर पा रहा सर। मुझे ऐसा लग रहा है जो काम हम करते हैं हमारा बच्चा नहीं करेगा। वर्षा ने उतनी उम्मीद जगा दी है और मैं वर्षा के ऊपर बहुत फख्र महसूस करता हूँ। वर्तिका मैम, मेरे को पता नहीं था कि शायद मैं उनको भी कभी सामने से देख पाऊंगी। वर्तिका मैम मतलब मेरे लिए भगवान जैसे हैं। अपनी मेहनत पे वर्षा ने जो यहाँ पे आपके सामने पूछा है, और मुझे सौभाग्य मिला है आपसे बात करने का। वर्षा मजदूर है लेकिन मजबूर नहीं, वो आपने प्रूव कर दिया है, इसलिए आप इस मंच पे खड़ी हैं। आप नहीं लेकिन शायद हम तीनों खुश नसीब है कि आपके इस जर्नी पे हम लोग कनेक्टेड रहे, कि आपकी जर्नी हम लोग देख पाए लाइव। कभी नहीं सोचा था सर कि आप जैसे बड़े लोग भी हमसे प्यार करेंगे। ऐसा लगता था हमेशा कि शायद हम ठोकरों में निकल जाएगी जिंदगी। लोग वहां पे दूर खड़े होके बात करते थे हमसे, और यहाँ पे आप लोग हमें गले लगा के बात करते हो। आप अंदर से ऐसा फील करवाते हो सर, आप मजबूर कर देते हो हमें कि अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए। तो बहुत बहुत थैंक यू सर। अभी मेरे को ऐसा लग रहा है यहाँ तक मैं पहुँची हूँ सर, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद अभी मेरे बेटे का भविष्य, जो कुछ भी आगे ये करेगा, ये वो काम नहीं करेगा जो हम करके आए हैं। ये शुरुआत है, यहाँ से एक नया दौर शुरू होगा और वो सिर्फ और सिर्फ आप लिखेंगी उस। सो ये आपके हाथ में आगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। अरे यार कोई एसी चला दो यार।
सही है सही है। बाकी सारी फेक लगे, देख के तुझको ब्रेक लगे, दूर दूर से दिखे रानी पास आऊं तो सेक लगे। बारा इतना हाई हुआ कि धर्मा में पर टूट गया, सैया जी का टपक टपक के हाय पसीना छूट गया। कैसी गुंडागर्दी है बंदी, तू बेदर्दी है सर्दी में भी कर दी है। मैं सबको कहना चाहता हूँ और वर्तिका से भी कहना चाहता हूँ, थैंक गॉड वर्तिका तुम इस गाने में नहीं थी, क्योंकि कोई हमारे ये तो इनको देखता ही नहीं था। ऐसा नहीं है सर। माय गॉड आउटस्टैंडिंग। एंड वर्षा क्या एटीट्यूड, और जो गर्मी का हुक स्टेप आया उसमें जो आपने अपना एक तड़का लगाया वॉज आउटस्टैंडिंग। सेकेंड टाइम आया जो एक के ऊपर एक खड़े होके जो खड़े थे ना, मतलब मैंने बोला कि भाई साहब थैंक गॉड ये दोनों नहीं थे। आई लव द परफॉर्मेंस। आप कहां से आए हो जिंदगी में वो मायने नहीं रखता, आपको कहां जिंदगी में जाना है हमेशा हमेशा सिर्फ वो मायने रखता है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल तुम हो वर्षा। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। जहां से वर्षा आई है, जिन परेशानियों को जीत कर उनके टक्कर देकर वो आज यहाँ तक पहुंची है, तो इनके डांस के लिए और उस सफर के लिए खड़ी होके तालियां जरूर बजाऊंगी। थैंक यू। Fantastic. और मुझे लगता है एक चीज जो हम भूल रहे हैं। Yes. सब चीज जो करनी है। Yes, और अब वर्षा मैं अपार को मिलाना चाहूंगा एक ऐसे इंसान से जो दिखते हैं मलाड़ के अजय देवगन की तरह। इनके अंदर मैं बता रहा हूं एक छोटा सा इमरान हाशमी भी छुपा हुआ है। क्या बताइए, खुल के बताइए ये क्या है, मतलब अपनी बीवी को कोई ऐसा मतलब एकदम पैशनेट कैसे देख सकता है? क्यों देख क्यों नहीं सकता? तो दूसरी की वाइफ को आप देखते हो ऐसे?
अब देखिए टेलीविजन पे मैं सच नहीं बोल सकता, इसलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब इस गाने में फील था? आग थी, आग आग थी, आग थी, आग तो यहाँ से निकल रही। नहीं नहीं नहीं, आग नहीं थी इसमें, नहीं थी। अब होगी कैसे? जब नहीं, हाँ सीरियसली, सीरियसली जब वर्षा के पति नितिन गर्मी वाले वो स्टेप आज यहाँ पर करेंगे तब होगी आग। वाह, पहले से ही पता था, अब पता चल रहा है कि इसका 2.5 GB डेटा कहाँ यूज हो रहा है, पहले से इसका पता है इसे। हाँ टर्न हो जा, अभी ये बम्बास्टिक को ऐसा ऊपर नीचे ऊपर नीचे, पर एक बार कर, एक बार उसके बाद म्यूजिक में करेंगे। ओ, अरे कैसे नहीं हो रहा। आइए आइए आइए, ओके लेट्स गो। ग्रैंड फिनाले वीक में डीआईडी सुपरमॉम की ट्रॉफी की दावेदारी रखने आ रही है भिलाई छत्तीसगढ़ से वो जिसने पति को बना ही डाला रोमांटिक रंगीला साजन, अनीला राजन विद डांस गुरु श्वेता वॉरियर। प्याला पी आया एक पल में सदियां जी आया सारी मधुशाला पी आया एक पल में सदियां जी आया मैं पी आया मैं पी आया मैं पी आया जा पी आया मैं पी आया जोगी, जोगी, जोगी।
performance, guys. Let's hear it for standing ovation from our judges. Well, zordar taaliyan ho jaye, guys. What a choreography. Yeah, what yeah, yeah. a thought. क्या मूवमेंट्स थे, क्या चेंज ओवर थी. और शुरुआत तो आपने ऐसे की, मुझे लगा कि अजंता और एलोरा की मूर्तियां उठ चुकी है. और जो अनिला ने पहले ही सॉफ्ट मूवमेंट किया है, आय हाय हाय, मार डाला कसम से. स्टेज थे, एक्सप्रेशंस थे, सेंशुअसनेस था. बहुत ही खूबसूरत. और अनिला, आई एम सो प्राउड ऑफ यू. ऐसा हार्डली ही कोई इस मंच पर आपका परफॉर्मेंस होगा कि जिसमें यू हैवंट रॉक्ड इट बेबी. ये जब डांस गुरु और सुपर मॉम का जोड़ी देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है दोनों बहनें हैं, या तो कोरियोग्राफर है दोनों या दोस्त है दोनों. क्या बात कही है. क्योंकि इनका जो तालमेल इतना ब्यूटिफुली जेल होता है ना, कि ऐसा लगता है कि यार ये बहनें हो सकती है दोनों. बीच बीच में जो झामे दिए हैं आपने, वो बहुत छोटे छोटे हैं लेकिन इम्पैक्ट आता है. बीच में जो ड्रॉप में आपने वो एक रूप पकड़ा था ना, दैट वॉज द बेस्ट. नाउ दैट्स व्हाट आई कॉल अ परफॉर्मेंस. क्या बात है. सर्वोत्तम परफॉर्मेंस सुपरमॉम अनिला एंड डांस गुरु श्वेता वॉरियर के लिए. क्या बात है यार. आपने जिस तरह से मेहनत की है, मैं आपको बता दूं, आपकी जो जर्नी है वो एक खास इंसान, टेलीविजन और फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही एक नामचीन एक्टर है. उन्होंने यू नो स्पेशली कहा कि यू नो मैं अनिला को यू नो प्रेजेंट करना चाहूंगा, तो आप देखना चाहेंगे. बहुत ही फेमस, बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही रॉकिंग है. मैं चाहूंगा इधर आ जाए और प्लीज देखिए कि वो इंसान कौन है. आइए. क्या बात है. हाय दोस्तों, अब आप देखेंगे मेरी फेवरेट कपल हैशटैग प्रनीला की कहानी. पहले ये बहुत ही अनरोमांटिक कपल हुआ करते थे. इनकी शादी की नाव में रोमांस का चप्पू मिसिंग था. हम लोग हनीमून गए, वो भी कैसे, फैमिली के साथ. और उसके बाद भी ये हुई, फिर तो ये ऊपर वाले की देन ही है. एक एक करके इस मंच पर सारे पति प्रदीश को रोमांटिक टिप्स सिखा तो रहे थे. अरे रे रे रे। को भी करना है क्या? हाँ, करना, भी करना है. कम ऑन, घर जाके रिहर्सल करके फिर आके करेंगे सोचा. नीचे उधर, उतर नीचे, नीचे उधर. करोड़ों का डांस सिखाने वाले कोरियोग्राफर की टिप्स पर भी इन्होंने करोड़ों लीटर पानी फेर दिया. क्या है? रोमांटिक के चक्कर में पूरा ऐसा दिमाग ये करके मर्डर करेगा क्या? ये सब देखकर अनिला ने छोड़ दिया रोमांटिक लाइफ का सपना. और फिर आया एलिमिनेशन डे को वैलेंटाइन समझकर अनिला का प्रदेश आया और साथ में रोमांस की तूफानी बारिश लाया. अनिला राजन, आई लव यू. थैंक यू. विल यू प्लीज मैरी मी अगेन? यस. हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते. और टैटू करके लिखवाया हाथ पर बीवी का नाम. क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो. अब तो अनिला जी के चेहरे से मुस्कान जाती ही नहीं, ऐसे शर्माती है जैसे शादी की अगली सुबह वाली दुल्हन. फैंटास्टिक. धोखा राउंड तो कौन है, तो ये लोग लेके आए ना. तू स्टेज पे सीधा सीधा धोखा क्यों देता है?
कहाँ धोखा दिया सर? तुमने बोला सेलिब्रिटी आएगा, बहुत नामचीन आएगा। इससे बड़ा सेलिब्रिटी कौन होगा? सेलिब्रिटी है वो भी मुझे नहीं पता। आइए प्लीज बैठिए। All right, तो बढ़ते हैं अगले परफॉर्मेंस की ओर। ग्रैंड फिनाले वीक में डीआईडी सुपर मॉम की ट्रॉफी की दावेदारी रखने आ रही है लखनऊ यूपी से सब पे बारी रिद्धि तिवारी में डांस करो श्याम यादव। ऊंचे रहे जो तेरे कद से इरा। रिद्धि तिवारी के तो हम बहुत बड़े फैन है। डांस कैसे करना है हमने उन्हीं से सीखा है। रोटी बेलना भी एक एक डांस ही हमने ये भी उन्हीं से सीखा है। रिद्धि तिवारी का डांस सब पे भारी है। ये दिल से डांस करता है। टोटली थैंक यू सो मच सर। दिल से डांस करता है ना वो दिल तक पहुंचता है। हमारे लिए तो बहुत ही बड़ी बात है कि एक जो लेडी है हाउसवाइफ है वो अपने घर के काम से भी हर चीज किचन से निकल के हर चीज सीख के वो आज आगे ये स्टेज पे आई है तो वी प्राउड ऑफ हर। आज तक हम अपनी सासू माँ से भी ढंग से बात नहीं कर पाए लेकिन रिद्धि जी बॉलीवुड के इतने बड़े बड़े लोगों से दिल खोल कर बातें कर। रिद्धि तिवारी शो पे रहते हुए अपने रेमो साहब के जूते, बादशाह के जूते, जानवी के सैंडल और मीका के चश्मे कमाए हैं। मैं खुद से कुछ करना चाहती हूँ, अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, इसीलिए अभी तक मैंने एटीएम ना मेरा है और जब होगा तो मेरा खुद के पैसों का होगा और खुद के पैसे होंगे उसमें अकाउंट में। क्या बात। रिद्धि तिवारी सबसे भारी सुपर मॉम है और मैं चाहती हूँ कि वही विनर बने, वही शो जीते। ऑल द बेस्ट रिद्धि तिवारी। ओए होए ये देखो यार रिद्धि रो रही है। यार ये तो 3 महीने में हमने नहीं देखा जो आज देख रहे हैं कि रिद्धि आपके आंखों में आंसू। आज से 3 महीने पहले कोई पहचान नहीं थी हमारी, कोई नहीं जानता था कि रिद्धि तिवारी है कौन। आज हर गली हर मोहल्ले पूरा इंडिया कहता है रिद्धि तिवारी सब पे भारी। इतना अच्छा लगता है सुन के। तो लोग हमें कहते थे ये सब डांस वांस मत करो, घर संभालो, बच्चे संभालो। हमारे खुद के फैमिली के लोग कहते थे कि इनसे बोलो डांस ना किया करे, बच्चों पे ध्यान दे, पढ़ाई पे ध्यान दे, लेकिन हमने किसी की नहीं सुनी। हमने कहा हमें जो करना है वो हम करेंगे। क्या बात है, क्या बात की आपने। आज दो लोग भी हमको सपोर्ट कर रहे हैं, बोले बेटा जीत के आना, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। आज से 3 महीने पहले हम किसी शादी पार्टी में जाते थे तो 30-40-50 लोग हमारा डांस देखते थे। आज के समय में पूरा इंडिया हमको हमारा डांस देख रहा है सर। कभी कभी क्या होता है ना, इसे कभी सोशल मीडिया चलाते हैं ना तो लोग इतने मैसेज करते हैं, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, आप हमसे बात कर लीजिए, हमको रेमो सर का नंबर दे दीजिए। अब हम क्या बताएं सर, आपके रेमो सर तो हमने उनको बोल दिया, हमने कहा रेमो सर हमारे ताऊ के बेटे थोड़ी ना है जो हमारे पास उनका नंबर होगा। रिद्धि's म्यूजियम। रिद्धि जी ये सब क्या है, मुझे इतना स्ट्रेस हो रहा है, हम फिनाले जीतेंगे या नहीं। अरे श्याम सर टेंशन मत लो, मेरे म्यूजियम में देखो, रेमो सर के जूते, चांदी की सैंडल्स, बादशाह सर के जूते 80,000 के है, आपका घर इसमें चला जाएगा। और ये देखो मिक्का सर का चेन और काला चश्मा। तो लेट्स गेट इट ब्रो। Come on.
चल जब लड़कों के दिलों में तू आग लगा दे बेबी फायर नकली से न करे तू करे जब देखे हमें झूठी लायर तेरे मुखड़े पे जैसे काला बेले जचता है तेरे चम पे अपनी अदाओं से ज्यादा नहीं तो 10-12 लड़के तो मार ही देती होगी तू दिन में दिन, 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 दिन. तुझ जैसे 36 फिरते हैं मेरे वर्गी और न होने वे रिद्धि जी ये सर्वोत्तम कब मिला हमें श्याम सर अच्छे से याद करो एक बार मिला है हमें अच्छा लेडी गोविंदा से कैटरीना आ गई यहाँ पर क्या बात है देख रहे हो ना हमको ये तो जरूर कहना पड़ेगा कि रिद्धि तिवारी सबसे भारी जब पहली बार आई थी ना आप ऑडिशन में जिस लेवल पे आप परफॉर्म करती थी अब वो आप शाम के साथ शाम के स्टेप वैसे उस लेवल पे करते हो बीच में एक पूरा सेक्शन पूरा वेस्टर्न सेक्शन किया है अमेजिंग व्हाट अ ब्यूटीफुल जर्नी रिद्धि मेरे लिए तो क्या बात है यार क्या बात है स्वैग है क्या अपनी ही स्टाइल है तो यू रॉक्ड इट ब्रो ऑल द बेस्ट थैंक यू मैम थैंक यू सो मच सर्वोत्तम परफॉर्मेंस रिद्धि तिवारी एंड डांस गुरु श्याम यादव के लिए ये मतलब रिद्धि बात नहीं सीधी बात करती है मैंने देखा है कि शी सच अ स्ट्रेट टॉकर जो दिमाग में है जो दिल में है वो सीधा बोल देती है दैट्स व्हाट आई लव अबाउट हर और जो आपकी ब्यूटीफुल स्माइल है इट्स द विनर मैम मेरी नेचुरल ब्यूटी भी है हां मेरी नेचुरल ब्यूटी है और ब्यूटीफुल स्माइल यस टोटली क्या बात है देखिए मैं सभी को पहले तो बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद बोलना चाहती हूँ सभी को पूरे हिंदुस्तान को जो हमको इतना पसंद किया हमको यहाँ तक लेके आए मेरा एक सपना था जब हम छोटे थे सर तो मम्मी पापा से पैसे मांगते थे कभी कुछ से पैसे नहीं कमाए फिर शादी के बाद हस्बैंड के पे मोहताज हो गए कुछ भी लेना हुआ हस्बैंड से पैसा मांगो आप तो जानते हैं कितने कंजूस हैं ये तो अभी मैं खुद का बैंक अकाउंट खोलूंगी अब और खोला भी है मैंने मतलब शुरुआत हो गई है उसकी अरे वाह डेबिट कार्ड मिला होगा हमारे हस्बैंड के पास रखा हुआ है क्योंकि वो हमको हमसे हिसाब मांगते थे ना अभी बनवा के उन्हीं के हाथ में दिया है रखो इसको अच्छा लेकिन उससे पहले कि ये बताए कि ये ना वो कैसे दिखता है हम आपको बताना चाहते हैं कि अपना एटीएम कार्ड खोलने के लिए रिद्धि ने कितनी मेहनत की है और पहली जो कमाई थी वो कहाँ से आई है वो सारी चीजें मैं जजेज आपको दिखाना चाहूंगा हैव अ लुक रिद्धि जी आप यहाँ पे
अरे सर, हम आज आशीर्वाद लेने आए हैं पापा जी का। क्या मांगा गणपति जी से? हम डैडी सुपर मॉम्स में विजय होके जाएं, यही पापा से मांगा। पापा जरूर आपके बात मानेंगे, सारी मनोकामना नरे पाक का राजा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पे आ ही गए हमारे पंडाल में नरे पाक के राजा में, तो हमारे बच्चे लोग को थोड़ा आप डांस भी सिखा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम अच्छे से डांस सिखाएंगे, मजा आएगी तुम लोगों को। तीन लाइनें बना लो, तीन। चलो बच्चों लोग स्टार्ट करते हैं, तुम लोग को इतने अच्छे अच्छे स्टेप बताऊंगे, एक मिनट में सीख जाओगे। चलो अभी म्यूजिक पे करते हैं हम लोग। आपके बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के अपने दो घंटा बच्चे को दिया है। सब पापा का आशीर्वाद है, उन्होंने हमको बुलाया, हमने उनका आशीर्वाद लिया, हम बहुत खुश हैं। इतने प्यारे प्यारे बच्चों को हमने डांस सिखाया, हमारे लिए बहुत बड़ा ये अचीवमेंट है। नरे पाक के राजा की एक खासियत के इसके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता, तो पापा की तरफ से हम आपको एक गुड लक आपको एक देना चाहते हैं। गणपति बप्पा मोरिया, पापा की कृपा से मुझे ये पहला आशीर्वाद उनका मिला है, तो ये हमारा पहला आशीर्वाद जो है वो सीधे मेरे बैंक अकाउंट में ही जाएगा। क्या बात है यार, क्या बात है, मतलब ये शो खत्म भी नहीं हुआ उससे पहले कमाई शुरू हो गई। ये देखे सर, पहला है, ये मेरा खुद का एटीएम कार्ड है, जो कभी हमने हमारे पास ऐसा था नहीं, ये सब इस डीआईडी पर मॉम्स की वजह से मैं ये हाथ में लिए हूँ आज। क्या बात रिधि जी, मुझे ऐसे लगता है कि जब अपनी मेहनत और प्रयास जो होते हैं वो दिल से निकलते हैं और बड़ी शिद्दत से होते हैं, तो वो पापा तक पहुंचते हैं और वो भगवान बिन मांगे ही हमको सब दे देता है, और इसकी ये मिसाल है। सो सारे सपने इसी तरह पूरे हो। वोटिंग लाइन्स तो बंद हो चुकी है, लेकिन जजेस आज आपको स्कोर्स देंगे और फाइनली वो ऐड होंगे फिनाले के यू नो वोटिंग के साथ, और फिर हमारे शो में घोषित होगा कि कौन होगा विनर। तो वोटों की गिनती चलती जा रही है, अभी के लिए थैंक यू सो मच। ग्रैंड फिनाले वीक में लखनऊ यूपी से डीआईडी सुपरमॉम की विनिंग ट्रॉफी की दावेदारी रखने आ रही है वो, जो सच करने आई है अपनी शौहरत की कल्पना, अल्पना विद डांस गुरु वैभव गुगे। अल्पना, जब तुम मुझे मिली मुझे लगा मैं ग्रैंड प्रीमियर में ही आउट हो जाऊंगा, पर तुम्हारे जिद और मेहनत देख के मेरा ईएमआई भी बचते हुए दिखा, और आज हम फाइनल में पहुंच गए। तो सर अब क्या करेंगे? पार्टी! नाचो धनाधन नाचो रे, म्यूजिक बजाओ, कह दो ये सबसे आज की पार्टी मेरी तरफ से, आज की पार्टी मेरी तरफ से, चंद को बोलो मुखरे फलक से, आज की पार्टी मेरी तरफ से, क्या हुआ अल्पना जी? 44 अल्पना जी, फिनाले फिनाले फिनाले, मची है जू तोड़ के रू करे वो स्टेप के गिरे लोग दाए पाए, नींद भी गुल जश्न है फुल नाच जमके के पूरा फ्लोर हिल जाए, बात ना आए शोर मचाए, yeah.
सर अगर फिनाले हम जीत गए तो पार्टी मैं दूंगी। मतलब मुझे पार्टी कभी नहीं मिलेगी। मैं वेट कर रहा था कि वैभव ऐसा कौन सा एक्ट लेके आएगा। फिनाले आ चुका है और अभी लास्ट में है, तो अब मुझे जो शक था वही हुआ। इसने अपना हुकुम का इक्का फेंक ही दिया एंड वो अपने असली रंग में आया। मजा आ गया। व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, किस तरीके से एज को लेके आए आप। क्या हुआ अल्पना जी? 44 अल्पना जी, फिनाले। लिफ्ट वाज अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग। आई लव द एक्ट एंड फॉर मी दिस वाज। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। होता एक तो अल्पना जी, आप किसी हिसाब से 44 नहीं नजर आ रही हैं। मैम इसलिए इनको तरस नहीं आता मेरे ऊपर। हाँ आना भी नहीं चाहिए क्योंकि आप सारी वो चीजें करते हो जो वो चाहते हैं कि आप करें। इतनी बढ़िया लिफ्ट। आपकी प्रोग्रेस देखकर सच्ची में लगता है सल्यूट टू यू, क्योंकि एज इज जस्ट अ नंबर। यू हैव वंस अगेन प्रूव दैट। थैंक यू सो मच मैम। भाई ग्रैंड फिनाले वीक है एंड वाकई वैभव ने और अल्पना जी ने स्टेज पर आके इसे पार्टी वीक कर दिया हम सबके लिए। उसके लिए ये तो बनता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आइए आपकी भी एक जर्नी देख लेते हैं कि कितनी खूबसूरत रही है। हैव अ लुक। हेलो दोस्तों, मैं अल्पना पांडे लखनऊ से। ये है मेरी डीआईडी सुपर मॉम की जर्नी। जब मैं यहाँ आई थी अपनी फैमिली के साथ ऑडिशन देने के लिए, तब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपना ऑडिशन क्लियर कर पाऊंगी। मुझे तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा लगा। सर अच्छा लगा तो बजाएंगे। ये दिन मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी क्योंकि रेमो सर ने मुझे ऑटोग्राफ दिया था, वो भी मेरी ही फोटो में। रेमो सर मेरे हस्बैंड को ना प्याज काटना सिखाने आए थे स्टेज पे, झाड़ू मारना सिखाने आए थे। तो मतलब मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि माय गॉड इतने बड़े जज हैं वो, और वो मेरे कैमरे पे आके मेरे हस्बैंड को सिखा रहे हैं। ए, तुम लोग को अच्छा लग रहा है कि जज यहाँ पे झाड़ू मार रहा है? ये मेरी लाइफ का वो दिन है जब मुझे सबसे पहला सर्वोत्तम मिला। अब जाके ऐसा लग रहा है कि अल्पना जी ने भी अपनी कमर कस ली है। ओके, ये तो मेरे मिट्ठू जी हैं। तो मिट्ठू जी ने मुझे 17 साल में कोई गिफ्ट नहीं दिया, तो 17 गिफ्ट इन्होंने मुझे डीआईडी सुपर मॉम के मंच पे दिया। जिस पल से देखा है तुझको मैं पगल कर, पीछे पीछे देखो तेरे हद से निकल कर, तुझे संग मिट्टू जी के साथ मेरी लव मैरिज हुई। ये सबको मैंने बता दिया है। ओ, यहाँ पे आपको पता है क्या रहेगा? यहाँ पे डीआईडी सुपर मॉम की जो ट्रॉफी होगी ना, उसके साथ मेरी पिक्चर यहाँ लगेगी। क्या बात है यार, ब्यूटीफुल। जैसे होता ना कि मैं सब हमेशा स्टार्टिंग से कहती हूँ मैं 44 की हूँ, तो 44 में जाके मेरे सपने में स्टार्ट हुए। और इस एज में लोगों के सपने पूरे होते हैं। तो कहते हैं ना कि सपनों की कोई उम्र नहीं होती, और ये पूरा इंडिया देख रहा है, मुझे देख रहा है, तो समझ रहा कि हाँ किसी के भी सपने कभी भी पूरे हो सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। तो
और सर यहाँ से जब मैं जाऊँगी अपने घर लखनऊ तो थोड़ी प्रॉब्लम तो मुझे होने वाली है, क्योंकि यहाँ सर मैं सेलिब्रिटी की तरह थी ना, कोई खाना बनाना ना कोई बर्तन, मतलब कि तुमने मिट्टू को बोल दिया, मैंने कहा ऐसा है 20-25 दिन मुझसे बात नहीं करना, तुम लोग बिल्कुल मुझे सेलिब्रिटी जैसी फील कराना क्योंकि और बच्चों को मैंने समझा दिया है कि मतलब अब ये नहीं कि सुबह सुबह उठो नाश्ता, जब मेरा खुद से दिल करेगा कि मैं माँ हूँ पत्नी हूँ, क्योंकि यहाँ तो सर ये वाली फीलिंग आ नहीं रही ना, तो मैं तुम लोगों को भी खाना पीना बनाना खुद से शुरू करेंगे, मुझे कोई प्रेशर नहीं देगा, तो ये तो मैंने इन लोगों को बोल रखा है सर, ठीक है ना। सर एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, रेमो सर मैं आपका बहुत बहुत दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि आपने मेरी वो विश पूरी की है। रेमो सर से मैंने कहा था कि सर मुझे कभी अपने घर बुलाइए, अपना वार्डरोब दिखाइए, तो सर ने मुझे बुलाया और अपने वैनिटी में ले गए, मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे उर्मिला जी, भाग्यश्री जी, आप देखना चाहेंगे कि क्या क्या हुआ, मतलब प्लीज देखिए। मुझे पता है कि फिनाले चल रहा है, आप बहुत बिजी हैं, मैंने आपको ज्यादा लंबा ट्रैवल नहीं कराता हूँ आपको, मैं आपको मेरे शूट वाले घर पे बुलाता हूँ, वैनिटी नंबर 4। हेलो हेलो, कैसा लग रहा है छाते के से? बिल्कुल सेलिब्रिटी फील हो जाता है, क्या होता है। आइए मैं आपको मेरा घर दिखाता हूँ। ये वाह सर, ये आपका घर? हाँ, शूटिंग वाला घर। ओह माय गॉड, पर इधर आपका ये ड्रेसिंग है? इसको हॉल कह लीजिए। okay. यहाँ पे मेरा मेकअप वगैरह होता है। बहुत अच्छा लग रहा सर मुझे। और सर और ये मेरा किचन, महीने में 30 दिन होते हैं, 20 दिन तो मुझे यहीं गुजारना पड़ता है, तो सब कुछ यहीं रखना पड़ता है, तो मैं आपके लिए थोड़ी देर में कॉफी गर्म। हाँ सर मैं बिल्कुल कॉफी, आप पिलाएंगे तो मैं जरूर कॉफी पीऊंगी। और जब आराम करना होता है हाँ? और मीटिंग करनी होती है तो उसके लिए मेरा दूसरा रूम है। अच्छा भी अंदर और भी है? हाँ जी बिल्कुल सर, चलिए लेके हमें। हाँ सर, सर इतने सारे आपके शूज हैं। परफ्यूम बोल रहे थे ना मैं? हाँ सर, सर मैं यूज करूँ? बिल्कुल सर, यादगार दिन है मेरे लिए कि मैंने रेमो सर का परफ्यूम यूज किया है, ये मुझे बहुत पसंद है, आपने पहना था ना सर, मुझे बहुत पसंद है। आप बैठो, मैं आपके लिए कॉफी लेके आता हूं। ओके सर, ओह थैंक यू सर, आप मेरे लिए आ सर आपकी मैं अच्छा ओके, इसमें कुछ स्पेशल है क्या? नारियल का सर, क्या बात है, मैं आपके साथ बैठ के कॉफी पी रही हूं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, सच बता रही हूं। अभी खत्म करते हैं क्योंकि अभी फिनाले है, स्टेज पे भी जाना है। क्या बात है यार, है अल्पना जी, थैंक यू सर। जब से शूट चालू है ना तो सुबह से बोल रहा आपको कुछ अलग नहीं लग रहा, मतलब क्या अलग है, आपका कॉस्ट्यूम अलग है इस बार, आइए नजदीक आइए, तुम्हें क्या तुलते, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आप रेमो सर के बाजू में बैठे हो, परफ्यूम मारा है मैंने उनका। थैंक यू सो मच, प्लीज टेक अ सीट। थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू सो मच, थैंक यू। ग्रैंड फिनाले वीक में डीआईडी सुपर मॉम की ट्रॉफी की दावेदारी रखने आ रही है बैतूल मध्य प्रदेश से डिटेक्टिव सुपर मॉम साधना मिश्रा विद डांस गुरु भारत। हेलो एवरीवन, मैं हूँ डिटेक्टिव मिली और आप सब जानते हैं कि मेरी मम्मी इस दुनिया की सबसे बड़ी डिटेक्टिव है और मैं हूँ उनकी एजेंसी की सबसे पहली असिस्टेंट, और आज मैं सॉल्व करने वाली हूँ मेरे जीवन का सबसे पहला केस, और केस सॉल्व करने से पहले मैं लेती हूँ मेरी माँ का आशीर्वाद। जय माता दी। ध्यान से देखिए इस चेहरे को, नाम तो है साधना, दिखने में इतनी सीधी साधी मगर है एक नंबर की डिटेक्टिव। आखिर कैसे कैसे ये 40 साल की औरत और 3 बच्चों की माँ कर लेती है इतने बड़े बड़े जोखिम भरे स्टंट्स? तो ये रहा मेरा पहला सबूत, घर के सारे काम, ये धो रही है उसके कपड़े, ये बर्तन साफ कर रही है, ये खाना बना रही है, और वही कपड़े धो धो कर आज उनके हाथों में आई है वो जान, वो स्ट्रेंथ जिस पे वो इतने बड़े स्टेज पर कर रही है परफॉर्म और बन गई है सुपर मॉम। कैन एनीबॉडी बिलीव इन्होंने कभी डांस नहीं सीखा है, मतलब ये कैसे हो सकता है?
गौर से देखिए इस चेहरे, ये रहा मेरा दूसरा सबूत। सबसे पहले तो मैं ये डांस गुरु भारत के बारे में बात करूं, बड़ा अमेजिंग कोरियोग्राफी, क्योंकि एक अलग कॉन्सेप्ट निकालना शुरू कर दिया। नाउ दैट्स थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ये परफॉर्मेंस देखकर तो मुझे लगा है ये सुपर मॉम ने तो उड़ान भर ही दी। जिसके पास पहले कोई ऑडियंस नहीं हुआ करती थी, चम्मच तकिए यहाँ तक कि घर के बर्तन के सामने वो डांस किया करती थी, लेकिन डीआईडी सुपर मॉम्स के मंच पर इतने लोगों के सामने डांस करती हैं और लोग उनके लिए तालियां बजाते हैं, यहाँ तक कि जजेस उनको सर्वोत्तम देते हैं और उनके काम को सराहते हैं। इन सब के बाद मिली जासूस का पहला केस हुआ सॉल्व। रेमो सर, उर्मिला मैम, भाग्यश्री मैम, अगर आपके पास भी है ऐसा कोई केस तो नीचे दिए गए नंबर पर प्लीज़ कॉल करिए और मैं खुद पर्सनली आऊँगी आपका केस सॉल्व करने के लिए। टिल देन बाय बाय। क्या बात है यार, क्या बात है यार, सुपर। डीआईडी सुपर मॉम ने मुझे डिटेक्टिव से शुरू करके एक फ्रेंड तक मेरी जर्नी को ख़त्म किया है। जिस लड़की के लिए मैं डिटेक्टिव बनी थी, आज वो लड़की मेरी फ्रेंड बन के यहाँ से मैं उसको बना के लेके जा रही हूँ। It's been a pleasure really for all of us to see this journey. यही आपने बार बार हमें दिखाया है कि आप कितनी छोटी जगह से आई है वो मायने नहीं रखता, लेकिन आपके सपने कितने बड़े हैं और आप मेहनत कितनी करोगे उसके लिए यही मायने रखता है। अरे इधर कैसे, तू कब से पढ़ने लगा? अब से सिर्फ पढ़ाई और कुछ नहीं। सुन री सखी मेरी प्यारी सखी, ये दिल कहीं खोया है मेरा, जाने कहां इसे भूल गया, नहीं कुछ भी है मुझको पता। तेरी पायल में मैंने ढूंढ लिया तेरे कदमों तले सजनी, प्यार किया तो जान गया ये मुश्किल है कितनी, मेरी सांसों में तेरा प्यार बसा, आँखों में तुम ही सजनी। क्या बात, क्या बात है। तुझे गीत सुनाऊं मैं, चंद्रमुखी तुझे नींद नहीं तो लोरी सुनाऊं मैं, ठंडी हवा नहीं लग जाए तुझे चुनरी उड़ाऊं मैं, तेरे कदमों के जो निशान है यादों में बसाऊं मैं। सुन री सखी मेरी प्यारी सखी, ये दिल कहीं खोया है मेरा, प्यार किया तो जान गया ये मुश्किल है कितनी, मेरी सांसों में तेरा प्यार बसा, आंखों में तुम ही सजनी। सुन रे सखी मेरी प्यारी सखी, ये दिल कहीं खोया है मेरा, सुन रे सखी मेरी प्यारी सखी, ये दिल कहीं खोया है मेरा। क्या बात है यार, व्हाट अ परफॉर्मेंस गाइस, जोरदार ताला हो जाए। लाइब्रेरी में प्यार मुझे वापस उस जमाने में पहुंचा दिया, क्योंकि हमारी लव स्टोरी कुछ ऐसी ही थी। अरे बस वहीं से प्यार शुरू हो गया था और मैं बस उसी दुनिया में खो गई, बिकॉज एक्चुअली इट वॉज सो रियल।
lovely performance. Thank you so much. Thank you. यूजली क्या होता है किताबों में कहानी लिखी होती है उसे हम पढ़ते हैं. ये पहली बात है कि किताबों में जो कहानी थी वो नाच के दिखा दी थी. भारत सीढ़ियों को नचाते हो फिर वो इलास्टिक को नचाते हो आज आपने कागज जिसमें जान नहीं होती उसको नचा दिया. किताब के साथ स्नोफॉल भी कराया देन किताबों के पन्नों से ही आपने चादर ओढ़ी. वॉज ब्यूटिफुल. फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बहुत छोटा ज़्यादा बट इट वॉज मास्टर पीस जो आँखों का जैसे वो स्लाइड हो गया है देन आँखों का वो कल एक जगह पे आके रुकिया वो आँखों वाला आया. ब्यूटीफुल. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. जो YouTube से सीखा है और जो यहाँ पे भारत ने सिखाया तो कहीं और ही लेवल पे आज डेफिनेटली चली गए. ब्रावो. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. क्या बात है. सर्वोत्तम परफॉर्मेंस सुपर मॉम साधना एंड डांस गुरु भारत के लिए. साधना जी आज मैं देख रहा हूँ कि काफी सारे आपके फैमिली मेंबर्स यहाँ पर आए हैं. मेरे ससुर जी हैं, बाबूजी बोलते हैं हम लोग उनको घर में. तो मैं उनको पहले तो यहाँ बुलाना चाहूंगी मंच पे. जी हूँ सूर्य जगह छाए कहु सरसात और पतिव्रत माँ है प्रवीण रहे अचल रहे आवाज सौभाग्यवती भाव अब समझ में आया मुकुंद जी ऐसे क्यों बात करते हैं. बिल्कुल. सर मैं कहना चाहूंगी कि ये 80 साल के हैं और जबलपुर के पास 70-80 किलोमीटर एक गांव है पिपरिया सहलावन. वहाँ पे बाबूजी हमारे खेती किसानी करते हैं. क्या बात. तो मतलब मैं बता नहीं पा रही हूँ सर कि आज मेरे लिए कितना बड़ा दिन है. मैंने कई बार बोला भी था पहले कि मैं यहाँ बुलाना चाहती हूँ मंच पे. तो बोले बेटा मैं तो अभी नहीं आऊँगा. तो मैंने कहा क्यों बाबूजी. तो उन्होंने बोला कि अब मैं सीधे फाइनल्स में आऊँगा क्योंकि वो हर हफ्ते मेरी हर परफॉर्मेंस के लिए हमारे जो कुल देवता हैं वहाँ पे मेरे लिए मन्नत करते थे और हर सैटरडे और संडे का जो परफॉर्मेंस मेरा अच्छा हो उसके लिए एक नारियल रोज़ चढ़ाते थे वहाँ पर. मेरे लिए आज भी देखिए सर वो बिना चप्पल जूते के आए हैं. खेत भी जा रहे थे तो सिर्फ मेरे लिए कि मैं चप्पल भी तभी पहनूंगा जब मेरी बहू फिनाले में आ जाएगी. मैं जब पढ़ता था 1962 से रामलीला मंच में अपनी कला का प्रदर्शन करता था. शंकर जी का रोल जिंदा नांग लपेट करके 3 घंटे बैठता था. जिंदा काला नांग ये इसको भी मैंने लक्ष्मण का काम दिया. बड़े बेटा को लक्ष्मण का काम दिया. मझरे को राम का काम दिया. नाती वृंदावन में पढ़ता है 16 साल को उसको भी लक्ष्मण का काम दिया कि कम से कम मंच में बोलने का तुमको ज्ञान रहे तरीका रहे कैसे बोला जाता है कैसे आदर किसका किया जाता है सम्मान कैसे किया. ये सब चीजें रंगमंच में ही मिलती है. क्या बात है. क्या बात है. आज मुझे भूल करके मेरी छाती गदगद है कि मैं 1000 लोगों के बीच में अपने कार्य का प्रदर्शन करता था अपनी कला का प्रदर्शन. आज मेरी बहू ने करोड़ों लोगों के सामने बिल्कुल जिला प्रदेश और भारत देश के सारे लोग GTV सुपर मॉम के माध्यम से ये कार्य को देखते होंगे इस कार्य को देखते होंगे. मेरे बीच क्या बात है. क्या बात. एक बार जोरदार तालियां हो जाए. मैं उनको एक तुच्छ भेंट करना चाहती हूँ. प्लीज आइए. मैं उन्हें साड़ियां हैं. अरे वाह. सोने का नंग है. अरे वाह. छोटे बेटा ने एक अंगूठी लाकर दिया है. चलिए फिर जोरदार तालियां हो जाए गाइस. जोरदार तालियां हो जाए. एंड बहुत बहुत शुक्रिया आपका. अपने पूजनीय भाभी जी को चरण स्पर्श करते हुए कुछ भेंट करना चाहता हूँ. Thank you so much, everyone. Thank you. And thank you so much, Bharat. Thank you so much, Sadhana ji.
ग्रैंड फिनाले वीक में डीआईडी सुपरमॉम की ट्रॉफी की दावेदारी रखने आ रही है वो जिनके शोहर अब बच्ची का डायपर बदलते हुए कहते हैं कि तुम करती रहो डांस, मैं मायरा को संभालता हूँ ना जान। मुंबई से साधिका खान विद डांस गुरु विवेक। हेलो एवरीवन, ये है मेरी प्यारी सी फैमिली, अम्मी, अब्बू और ये है मेरी प्यारी मम्मी, मेरे डैडी और ये छोटी सी क्यूट सी स्माइल वाली प्यारी प्यारी बेबी हूँ मैं। इन सब की जान माय लॉजिक, मुझे खिलाना पिलाना सुलाना और मेरे साथ खेलना इन सब का फेवरेट काम है। दिल का खिलौना तुझको दिया, बाकी सब तो मेरे साथ खेल खेल के फिर भी थक जाते हैं, लेकिन मेरी मम्मी की थकान मेरे साथ खेल के दूर हो जाती है। एक दिन मम्मी हम सबको एक बल्ले से स्टेज पर लेकर आई। यहाँ पे मम्मी का डांस देखकर सब ऐसे खुश हुए जैसे मैं दूध की बोतल देखकर खुश हो जाती हूँ। वैसे विंच मिले उस दिन मेरी मम्मी रोई, पर उसके बाद मेरे पापा रोज रोने लगे, क्योंकि पिछले 8 महीनों में उन्होंने मुझे ठीक से गोदी में उठाना भी नहीं सीखा था। अली ठीक से पकलो पापा, मैं गिर गई तो मम्मी आपको बैठने लायक भी नहीं छुलेगी। बट सिर्फ पिछले 8 हफ्तों में मेरा पॉटी वाला डायपर भी चेंज करने लगे हैं और अब वो मेरे साथ खेलते हुए थकते भी नहीं, हमेशा अपने सीने से लगा कर लगते हैं। आई लव यू पापा। निंदरा दिया तैनू, निंदरा दिया तैनू, निंदरा दिया। लेकिन सिर्फ मेरे पापा ही 8 हफ्तों में सुपर डैडी नहीं बने, मेरी पूरी फैमिली ही सुपर फैमिली बन गई है। मेरे अब्बू जो अकेले में भी हंसने से डरते थे, वो अब सबके सामने हंसने और रोने लगे हैं। मेरी अम्मी शर्माने लगी है। आप हीरो और नंबर वन हो। आई लव यू मम्मी, हमें आपकी तरह सुपर फैमिली बनाने के लिए। यार सच अ क्यूट वीडियो यार, लव्ड इट। मायरा के बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ, वो मेरे अंदर का ही एक हिस्सा है। जिस तरह से ये पूरी जर्नी दिखाई है, थैंक यू सो मच। यहाँ तक आना, इस शो पे आने का सोचना, इसमें सबसे बड़ा रोल एक्चुअली मायरा का ही है। उसका चेहरा जब देखा था तो यही सोचा था, आम जिंदगी नहीं जीनी है, कुछ बेहतर करना है, कुछ बड़ा करना है उसका फ्यूचर बनाने के लिए। तो जैसे मेरी अम्मी से मुझे इंस्पिरेशन और ताकत मिली है, जैसे उन्होंने मेरे लिए कोई कमी नहीं छोड़ी अपनी लाइफ में, मैं उसके लिए नहीं छोड़ूंगी, यहाँ से आगे भी उसके लिए सब कुछ करूंगी। क्या बात है यार। अरे बाप रे, ये कैसे कपड़े पहने? तुम हमारा समाज में नाक कटाओगी, तुम लड़की हो जरा लड़की जैसे रहो। अरे कब तक मुफ्त की रोटी तोड़ेगा, जा कुछ काम कर। वो क्यों नहीं समझते कि इंसानों से आत्मविश्वास टूटता है और नहीं संभाल पाने वाला गुस्सा अंदर पनपता है। Oh,
तेरे से कुछ नहीं होगा। अरे तो कुछ नहीं कर सकता, बड़े बेंती है ये। अब तक अपने बाप के पैसे से जीता रहे, तेरे से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कर सकता। ए समाज, अब बस भी कर, कला घोट देते हैं हम अपने अरमानों का, मगर अब गुस्सा और आक्रोश जवाब होगा तुम्हारे तानों का। Outstanding, come on guys, zordar taaliyan ho jaye. Supermom Sadika and Andrew will make it. जब भी ऐसे कोई परफॉर्मेंस देखता हूँ कि यार जहाँ पे कोरियोग्राफी इस लेवल पे रखा है आपने एंड इमोशन भी उसी लेवल पे है, तो वो जो परफेक्ट मेल होता है ना, वो आज आप लोगों ने दिखाया। मेरे गूज़बम्स आए थे जब आप सारे परफॉर्म कर रहे थे। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस आई हैव सीन ऑन दिस सॉन्ग। Wow. You guys deserve this. Wow. Thank you so much, sir. Sadika, what a journey. मतलब एक सात आठ महीनों की बच्ची सीजेरियन के बाद मंच पर वापस आना, वाकई इनके जो सास ससुर है, जो इनके माता पिता की तरह इनके पीछे एक जबरदस्त पिलर बनकर खड़े रहे हैं। ये मेरी बहू नहीं है, मेरी बेटी है ये। क्या बात है, क्या बात है। मैं इसे बहू नहीं मानती। भगवान करे हिंदुस्तान के हर घर में एक ऐसी सासू माँ। क्या बात है यार। तो उन्होंने आज दुनिया को यह दिखा दिया है कि अगर आप अपनी अपनी बहू बेटी में, बहू बेगम में अगर इतना विश्वास दिखा सकते हो, तो आपके विश्वास को वो किस ऊंचाई तक और किस हद तक आगे तक लेकर जा सकती है। हर बार जब आप दोनों इस मंच पर आए हैं, आपको सर्वोत्तम परफॉर्मेंस का खिताब मिला है। आज का भी आपका ये एक्ट जो था वो बहुत ज्यादा इंटेंस ड्रामा और इमोशन से भरा हुआ था, और आपके इस सारे परंपरा को बरकरार रखते हुए बिल्कुल मेरे लिए भी ये सर्वोत्तम परफॉर्मेंस था। थैंक यू सो मच, थैंक यू। You deserve this, totally. Kya baat hai? Please take your seat. Thank you so much. आपने प्यार में लड़ाइयां तो बहुत देखी होगी, पर हमारे राजा और रूपी की लड़ाई निराली है। कुड़ी और मुंडा शादी करना चाहते हैं, शादी भी होती है लेकिन किसके साथ और फिर कैसे फैलता है रायता, जानने के लिए देखिए न्यू पंजाबी मूवी शोरिया द पिंडा। आ गया है ओनली ऑन Zee5। अभी Zee5 ऐप डाउनलोड करें।